नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं NSDL ई गवर्नमेंट योजना यानी कि अटल पेंशन योजना के बारे में, जो कि दोस्तों NSDL की वेबसाइट के थ्रू चलाई जा रही योजना है, जिसमें दोस्तों आपके अकाउंट से हर महीने के 59 रुपये से लेकर दोस्तों 200 से 250 रुपये तक आपके अकाउंट से कट जाते हैं। ये योजना दोस्तों भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना है, जिसमें दोस्तों आपको मंथली 1000 से लेकर 3000 रुपये की पेंशन आपकी 60 साल के बाद मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आपकी भी ये योजना आपके अकाउंट में लगा दी गई है लेकिन आपको अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया है और आपके अकाउंट से पैसे हर महीने कट जाते हैं, अगर आप इस योजना को बंद करना चाहते हैं, और दोस्तों आप इस योजना को बंद करने के लिए बहुत सारे चक्कर काट चुके हैं बैंकों के और आपकी योजना बंद नहीं हो पा रही है, या फिर दोस्तों आपने ऑनलाइन भी बहुत सारी क्यूरीज करी हैं, आपने कंप्लेन भी डाली है और आपने टोल फ्री नंबर पर बात भी कर ली है, तो दोस्तों मैं आपको आज ऐसी एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे दोस्तों आपकी जो योजना है बंद हो जाएगी। दोस्तों, आपको इस वीडियो को लगातार लास्ट तक देखना है। अगर आप इस वीडियो को लगातार देखते हैं तो दोस्तों वीडियो में आपको बताई गई सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे समझ में आ जाएगी, तो दोस्तों आपकी जो अटल पेंशन योजना है वो दोस्तों बंद हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और दोस्तों उसमें आपको टाइप करना है APY क्लोजर फॉर्म। तो जैसे आप APY क्लोजर फॉर्म को यहाँ पर फिल करते हैं, APY क्लोजर फॉर्म जैसे आप यहाँ पर टाइप करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। जैसे ही आपको फर्स्ट वेबसाइट मिलती है अटल पेंशन योजना APY अकाउंट क्लोजर फॉर्म, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का जो फॉर्म है आपकी स्क्रीन पर खुलकर आ जाएगा, अटल पेंशन योजना अकाउंट क्लोजर फॉर्म। ये दोस्तों आपका अटल पेंशन योजना क्लोज करने का फॉर्म है, इसे दोस्तों आपको डाउनलोड कर लेना है अपने मोबाइल फ़ोन में और पास के किसी दुकान से प्रिंट करा लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको इस फॉर्म को भरना है और आपको इस फॉर्म के साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करके जमा करना है ये वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूँ, तो वीडियो में लगातार बने रहिए। और दोस्तों इस वीडियो को अगर हम लास्ट तक देखते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, इस फॉर्म को प्रिंट करा लेना है। प्रिंट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि टू द ब्रांच मैनेजर, ये दोस्तों आपकी ब्रांच का नाम है, इसमें दोस्तों आपको अपनी ब्रांच का नाम लिखना है, ब्रांच कहाँ है आपकी, किस एरिया में है, किस लोकेशन में है, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है, नीचे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं यानी कि दोस्तों आपको थोड़ा पेज नीचे करना है। नीचे यहाँ पर आपको दिया गया है, डियर सर मैडम, आई हेयर बाई रिक्वेस्ट दैट माई अकाउंट ओपन अंडर अटल पेंशन योजना मे बी क्लोज। दोस्तों यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मेरा अकाउंट है ओपन किया गया है अटल पेंशन योजना के तहत, मैं क्लोज करना चाहता हूँ या क्लोज कर सकता हूँ, द डिटेल्स आर फॉलो, यानी कि मेरी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर दी गई है। दोस्तों आपको अपनी डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है, जैसे कि आपको PRAN नंबर, जब दोस्तों आपकी अटल पेंशन योजना फिल ऑनलाइन आपके अकाउंट पर एक्टिवेट की गई होगी तो आपके पास एक मैसेज आया होगा, उसमें आपका PRAN नंबर दिया गया होगा। अगर आपके पास PRAN नंबर नहीं है तो दोस्तों आप अपनी बैंक जाकर भी विजिट करके आप अपना PRAN नंबर अटल पेंशन योजना का ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो उससे रिलेटेड मैंने एक और वीडियो बना रखी है अपने यूट्यूब चैनल पर, उस पर आप विजिट करके देख सकते हैं कि PRAN नंबर किस प्रकार से निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना जो PRAN नंबर है इस वाले बॉक्स में फिल करना है, उसके बाद आपको नेम ऑफ PRAN होल्डर यानी कि इसके खाते पर अटल पेंशन योजना लगाई गई है उसका दोस्तों नाम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर उसका जो सेविंग अकाउंट है, सेविंग बैंक अकाउंट फॉर क्रेडिट ऑफ कर्पस पेंशन वेल्थ, यानी कि सेविंग अकाउंट उसको एक देना है अपना, जिसमें दोस्तों अटल पेंशन योजना का जो पूरा पैसा है यानी कि जितना भी पैसा कटा है इस योजना के तहत, वो पैसा इस बैंक अकाउंट में ही आएगा। इस बैंक अकाउंट में अगर आप यहाँ पर अपना सेविंग अकाउंट फिल नहीं करते हैं तो आपका पैसा जो जिस बैंक अकाउंट में आपकी पेंशन योजना लगी गई है उसी में पैसा रिटर्न हो जाएगा। अगर आपके जिस अकाउंट में ये पेंशन लगी गई है वही अकाउंट आप पर फिल करते हैं तो भी कोई बात नहीं, या फिर आप दूसरा भी अकाउंट फिल कर देते हैं तब भी आपको यहाँ पर पैसा आपका उसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो एक बार फिर समझ लीजिए कि आपको सबसे पहले अपना PRAN नंबर यहाँ पर फिल करना है, आपको अपना अकाउंट होल्डर नेम जिसके खाते पर अटल पेंशन योजना लगाएगी उसका नाम, उसके बाद दोस्तों एक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर देना है जिसमें दोस्तों आप इस पेंशन का जो कटा हुआ पैसा है आपके अकाउंट से, जो भी 59 रुपये या फिर जो भी अमाउंट कटा है वो आप वापस लेना चाहते हैं, वो पैसा लेने के लिए आपको एक बैंक अकाउंट देना होगा, वो इसमें फिल करना होगा। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं और नीचे इस फॉर्म के बारे में, इसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है रीज़न फॉर क्लोजर,
तो यहाँ पर एक जो रीज़न है आपको देना होगा कि आप क्यों बंद करना चाहते हैं। तो आपके यहाँ पर 3 से 4 रीज़न दिए गए हैं, जैसे कि नॉट एबल टू पे कंट्रीब्यूशन, यानी कि मैं अपनी पेमेंट है जो तो टाइम से नहीं दे पा रहा हूँ, या फिर दोस्तों रिक्वायर फंड अर्जेंटली, मुझे पैसे की अर्जेंट ज़रूरत है, या फिर दोस्तों आपको कोई अदर, जैसे कि आप इलनेस हैं, या फिर दोस्तों इस पेंशन को दे नहीं पा रहे हैं, या फिर कोई अदर आपका रीज़न है, बीमार हैं, या फिर दोस्तों पैसा ज़रूरत है, कोई भी आप प्रॉब्लम है वो आपको इस वाले ऑप्शन में मेंशन करनी है। अगर इनमें से आपका कोई भी है तो आप इनमें से किसी एक में टिक लगा दीजिए। वैसे आपको बेटर रहेगा नॉट एबल टू पे कंट्रीब्यूशन, या फिर दोस्तों आपको कोई भी यहाँ पर रीज़न लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये जो टर्म एंड कंडीशन दी गई है आपको यहाँ से फुल रीड कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक डेट देखनी होगी जिस डेट में आप अपना जो फॉर्म है जमा कर रहे हैं ब्रांच में, वो डेट आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा, प्लीज़ सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन ऑफ सब्सक्राइबर इन केस ऑफ मेल NRT, इन केस ऑफ फीमेल। तो यहाँ पर आपको जिसके अकाउंट पर जो पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना लगाई गई है, उसके दोस्तों यहाँ पर सिग्नेचर कराने इस बॉक्स में। अगर दोस्तों वह बंदा सिग्नेचर नहीं करता है तो उसका दोस्तों अंगूठा आपको इस वाले बॉक्स में लगवा देना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं इस फॉर्म के बारे में। और भी दोस्तों आपको यहाँ पर जो लास्ट स्टेज यहाँ पर दी गई है, एक्नॉलेज्ड अकाउंट क्लोजर फॉर अटल पेंशन योजना टू बी फिल्ड बाई द बैंक। जैसी आप ऊपर जो डिटेल मैंने आपको बताई है, वो डिटेल आप जैसे आप फिल करते हैं, और फिल करने के बाद जब आप इस फॉर्म को लेकर अपने ब्रांच में जाते हैं, उसके नीचे आपको बैंक अकाउंट जिसमें आपकी अटल पेंशन योजना लगाएगी उसके फोटो स्टेट, और उसके नीचे आपको अपना आधार कार्ड, और इस फॉर्म को सबसे ऊपर रखकर आपको जमा करना है। जैसे आप जमा करेंगे तो आपका नाम, जो बैंक के जो कर्मचारी हैं, आपका नाम यहाँ पर लिखेंगे, आपको इसमें कुछ नहीं भरना अपनी तरफ से। उसके बाद आपको आपका जो PRN नंबर है भाई अपने कंप्यूटर में देखकर यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों जिस अकाउंट में आप पैसा लेना चाहते हैं वो अकाउंट यहाँ पर वो फिल करेंगे, और उसके बाद दोस्तों आपकी बैंक का नाम यहाँ पर डालेंगे, बैंक की ब्रांच कहाँ है वो डालेंगे, रिसीविंग ऑफिस का नाम, यानी जो भी ऑफिसर आपके इस फॉर्म को रिसीव करेगा उसका नाम यहाँ पर पड़ेगा, डेट ऑफ रिसिप्ट जिस दिन ये रिसिप्ट देंगे वो यहाँ पर पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों आपको जो स्टाम्प एंड सिग्नेचर ऑफ द बैंक, यानी कि जो बैंक की मोहर होगी वो यहाँ पर लगेगी, और उसके जो रिसीवर यानी रिसीविंग ऑफिसर होगा, जो भी कर्मचारी होगा इस फॉर्म को रिसीव करेगा, वो अपने यहाँ पर साइन कर देगा। उसके बाद आपको ये जो कट है यहाँ से कट कर आपको मिल जाएगी, और आपका जो फॉर्म है जमा हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों विद इन बंद मंथ, यानी एक महीने के बाद दोस्तों आपकी जो अटल पेंशन योजना आपके अकाउंट पर लगाई गई है वो ऑनलाइन ही क्लोज कर दी जाएगी, और क्लोज करने के बाद आपका जो पैसा है, जो भी आपने यहाँ पर जो अपना अकाउंट नंबर दिया है, इस बैंक अकाउंट नंबर में आपके आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपके अकाउंट से कोई भी पैसा भविष्य में नहीं कटेगा। तो इस प्रकार से आप अपनी अटल पेंशन योजना को ऑनलाइन, यानी कि आप ऑनलाइन इस फॉर्म को डाउनलोड करके और फिल करके आप जमा करते हैं अपनी ब्रांच में, तो दोस्तों आसानी से ही आपके ब्रांच के जो कर्मचारी हैं अगर सही हैं और आपका काम टाइम से कर रहे हैं, तो आपकी जो अटल पेंशन योजना है इसी फॉर्म के तहत आपकी बंद हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों इस फॉर्म का दोस्तों ये जो दिया गया है, ये जो क्लोजर फॉर्म है, ये अटल पेंशन योजना यानी APY NSDL की वेबसाइट से ही मैंने डाउनलोड किया है। इन्होंने अगर बंद करने का जो सब्सक्राइबर कॉर्नर है, इसमें APY बंद करने का यही फॉर्म दिया है, जिससे दोस्तों आप अपनी जो अटल पेंशन योजना है उसको ऑनलाइन यानी ऑनलाइन डाउनलोड करके इस फॉर्म को बंद कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप इस फॉर्म को सही से भर देंगे, और भरने के बाद आप अपने जो भी ब्रांच है उसमें जमा कर देंगे, उसके बाद आपकी जो अटल पेंशन योजना है वो बंद हो जाएगी। अगर दोस्तों आपकी अटल पेंशन योजना बंद होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपका कितना पैसा रिफंड किया गया है वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसी प्रकार की नई वीडियो चाहिए तो वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आने वाले नोटिफिकेशन और नई जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू सो मच।